बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर फ्रॉम न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस थर्ड एडिशन लेवल 4। इस बुक की कंटेंट्स लिस्ट हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखें, पार्ट 3 पे है। यहाँ पे पार्ट 3 यूनिट नंबर हमारा 7 है, टॉपिक है द स्टडी ऑफ मैटर, पेज नंबर है 67। लेक्चर नंबर हमारा 24 है, यूनिट नंबर 7 है, टॉपिक है हमारा द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर मादे को बोलते हैं। मादा क्या होता है, इसकी हमने पिछले यूनिट में डेफिनेशन की थी। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, कि दुनिया की हर वो चीज़ जिसका अपना मैस होता है, वजन होता है, वो जगह घेरती है, उसको मैटर बोलते हैं, मादा बोलते हैं। और ये जो है छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनता है। मादा जो है उन ज़रात को क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं। और ये 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। वो 3 स्टेट्स कौन सी हैं, सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। उसके बाद इसके अंदर जो मटेरियल्स पाए जाते हैं, मवाद पाए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। पेज नंबर 67 पे आज हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे और साथ में फिर हम लोग एंड में एक क्वेश्चन भी करेंगे जो इससे रिलेटेड है। देखें, देयर आर वेरी फ्यू प्योर मटेरियल्स ऑन दिस अर्थ, के सिर्फ कुछ ही खालिस मवाद ऐसे हैं जो हमारी ज़मीन पर पाए जाते हैं। टेबल साल्ट इज़ अ प्योर सब्सटांस, नमक जो है वो एक खालिस सब्सटांस है, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो सिर्फ एक ही किस्म के ज़रात से बनता है। हाउ एवर मोस्ट थिंग आर मेड ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स आर सब्सटांस, लेकिन ताहम जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो, यानी कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ सब्सटांस से बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, एयर इन द एटमोसफेयर इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज, के हवा जो है फिज़ा में वो, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में गैसेज से मिलकर बनती है। अब नेक्स्ट देखें, द बॉडी ऑफ दिस माउस, यानी कि इस चूहे के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, इस चूहे की जो बॉडी है, जिसम है, इज़ मेड ऑफ अ वराइटी ऑफ केमिकल्स, वो एक, यानी कि केमिकल्स की मुख्तलिफ इकसाम से मिलकर बनती है। ऑल दीज केमिकल्स आर मेड ऑफ पार्टिकल्स, ये सारे जो केमिकल्स हैं ये पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। वन और मोर सब्सटांस, एक या एक इससे ज़्यादा सब्सटांसिस के। अब देखिए, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन तारुफ को कहते हैं। केमिस्ट्री की क्या होती है, ये हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, यानी कि उसकी खसूसियात को, फिर उसका दूसरे, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट पे या दूसरे मैटर पे उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ सब्सटांस, उसके बाद देयर प्रॉपर्टीज़ एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन ईच अदर। उसके बाद केमिस्ट्री में हम लोग ये देखते हैं कि कोई चीज़ जो है कैसे बनी है, किस चीज़ से बनी है और उसमें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखें, हैव यू एवर ईटन अ रोटी, कि क्या आपने कभी रोटी खाई है? डू यू नो व्हाट इट इज़ मेड ऑफ, क्या आप जानते हैं वो किस चीज़ से बनती है? हाउ इज़ इट मेड, वो कैसे बनती है? द सब्सटांस विच मेक अप अ रोटी, वो वाले सब्सटांस जो रोटी बनाते हैं, आर वाटर, साल्ट एंड फ्लोर, वो पानी है, नमक है और आटा है। आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा, रोटी बनने से पहले आटा गूंदा जाता है और उसके लिए ये तीनों चीज़ें जो है ज़रूरत पड़ती हैं हमें। वाटर इज़ अ लिक्विड, पानी जो है माया रथ में पाया जाता है। इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, इसके वाजे वॉल्यूम होता है। बट इट डज़ नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, लेकिन इसकी कोई शक्ल नहीं होती, डेफिनेट शेप नहीं होती। इसको जिस भी बर्तन में डालेंगे, जिस भी कंटेनर में डालते हैं, ये उसी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इट डज़ नॉट स्मेल ऑफ एनीथिंग इन पार्टिकुलर, यानी कि खास तौर पर हम किसी भी चीज़ को इसमें स्मेल नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते। एंड यू कैन सी थ्रू इट, हम इसके ज़रिए से देख सकते हैं, यानी कि ये गैर शफाफ, बिल्कुल ही शफाफ होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। दीज आर द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, ये जो है पानी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ तक हम लोग इसका जो है क्या करते हैं, रीडिंग हम लोगों ने इसकी कंप्लीट कर ली है, तो इस दो पैराग्राफ्स की। तो अब हम इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, हम वो करें। देखिए, क्वेश्चन लिखने से पहले आप लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा GSE, उसके बाद आपने यूनिट नंबर लिखने है, यूनिट नंबर 7 है, फिर आपने टॉपिक लिखने है, स्टडी ऑफ मैटर है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 राइट करेंगे। इन विच स्टेट कैन वाटर एग्जिस्ट, ये हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि वाटर कितनी हालतों में पाया जाता है, यानी कि किन किन हालतों में हमें नज़र आते हैं हमारे इर्द गिर्द।
तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर भी आप बिल्कुल लाइन के मिड में डालेंगे और आंसर भी आप लोग मिड में लिखेंगे। फिर आप लोगों ने इसका आंसर स्टार्ट करना है। वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स, पानी जो है वो तीन हालतों में पाया जाता है, कौन कौन सी हैं? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड सख्त चीज़ को बोलते हैं, उसकी एग्जांपल आइस है। लिक्विड माया हालत को बोलते हैं, उसकी एग्जांपल वाटर है। जूसेस भी हो सकते हैं, आप वो भी राइट कर सकते हैं। उसके बाद गैस है, गैस जो है वाटर वेपर्स को बोलते हैं। वाटर वेपर्स कैसे बनते हैं? जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो उसको टेम्परेचर देते हैं यानी कि, तो वो क्या करता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है और वो आबी बुखारात की शक्ल में, वेपर्स की शक्ल में हमारे एनवायरमेंट में शामिल होना शुरू हो जाता है, तो उन आबी बुखारात को वाटर वेपर्स कहते हैं। इस तरह आपने इसको पॉइंट में तीनों को लिखना है, एक साथ राइट नहीं करना। एक साइड पे उसकी स्टेट लिखनी है, उसके आगे आपने एक एक उसकी एग्जांपल लिख देनी है और जब क्वेश्चन एंड हो आपने एंडिंग लाइन ड्रा करनी है उसके नीचे। और हमारी जो है इस यूनिट की स्टार्ट के टू पैराग्राफ्स की रीडिंग भी हो गई है, एक क्वेश्चन भी हो गया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोग इसको याद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।